हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं इथरम के प्राइस को और दोस्तों उसी के साथ साथ बिटकॉइन कैश के प्राइस को भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों कल रात से लेकर अभी तक बिटकॉइन कैश का प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हुआ है। दोस्तों ये क्यों हुआ है अभी बताता हूँ आप सभी को। और दोस्तों जो हमारी वेबसाइट थी उसके ऊपर मैंने कुछ चेंजेस किए दोस्तों, कुछ अपडेट किए, आई होप कि आपको पसंद आएंगे दोस्तों। उसके बाद चलते हैं लाइव चार्ट पर और वहाँ पर इथरम और बिटकॉइन कैश के प्राइस को देखेंगे। दोस्तों एक बार चलते हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट में आना है, नीचे लिंक मिल जाएगा, ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आने के बाद आपको ये जो बेल आइकन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो भी पोस्ट डालूंगा मैं हमारी वेबसाइट पर, वो आपको मोबाइल पर हो, चाहे लैपटॉप पर हो, चाहे पीसी पर हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी यहां पर मैं पोस्ट डालूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक ऐड किया है दोस्तों ये पेज, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी न्यूज। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, वो न्यूज मैं यहाँ पर डालूंगा दोस्तों, ठीक है, वो पोस्ट डालूंगा, क्योंकि एक एक न्यूज को उठाकर मैं वीडियो नहीं बना सकता दोस्तों, इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता। अब आपको भी दिक्कत होती है दोस्तों कि एक एक वीडियो देखो छोटी छोटी न्यूज को वहाँ पर, और मैं फेसबुक पर ये सब नहीं पोस्ट कर सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी मैं पोस्ट डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको यहाँ पर आना है, उस न्यूज को देखना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बिटकॉइन बैन को लेकर इंडिया में जो कुछ भी चल रहा है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, रीड मोर कीजिए, यहाँ से पढ़िए, ठीक है। और दोस्तों क्या हुआ है कि बिटकॉइन कैश के ऊपर, ठीक है, लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था बिटकॉइन जो है सेगमेंट 2x जो है हार्ड फोक होने वाला था वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों कल क्या हुआ कि बिटकॉइन कैश के ऊपर जो है अब हार्ड फोक की प्लानिंग चल रही है दोस्तों, कल की न्यूज आई है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए रीड मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पूरा पोस्ट देखिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद होता है ना, मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है तो बायर्स और एक्टिव हो जाते हैं, और ये अच्छी न्यूज आई दोस्तों बिटकॉइन कैश के ऊपर और सभी बायर्स एक्टिव हो गए, मार्केट को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले गए दोस्तों। मैं अब कल ही एक वीडियो बनाई, उसी वक्त रात को दूसरी वीडियो भी नहीं बना सकता दोस्तों, इसलिए लेट हो गया और सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। इससे अच्छा है दोस्तों, ठीक है, वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर जो भी न्यूज आएगी एकदम हिंदी में डालूंगा दोस्तों। मुझे पता है बहुत लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती दोस्तों, अब जो भी मैं यहां पर पोस्ट डालूंगा उसमें हिंदी और रोमन हिंदी दोनों ही लिख के डालूंगा ताकि सभी को समझ में आए दोस्तों, ठीक है। आई होप कि ये सब कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों आने वाले दिनों में शायद मैं इसमें सिग्नल भी दे सकता हूं दोस्तों, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी सिग्नल नहीं देता मैं, और मैं खुद भी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग नहीं करता दोस्तों। जो भी सिग्नल होंगे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, ठीक है, तो शायद दे सकता हूं, अभी कोई भी फिक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, और बहुत कुछ अपडेट करने वाला हूं। तो दोस्तों ये कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ट्रेडिंग व्यू को लेकर बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे, ठीक है, ये एक फ्री टूल है दोस्तों, बहुत ही ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है। इस पर क्या है दोस्तों, सारी करेंसियों के चार्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये देखिए चार्ट पर नीचे लिंक मिल जाएगा इसका भी, आप इसमें फ्री में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करते ही ऐसा चार्ट खुल जाएगा। मैं अभी ये देखिए इथरम के चार्ट पर हूँ और यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के चार्ट पर हूँ। आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है, आपको यहां पे लिखना है जैसे BTC लिखा, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रिप्टो करेंसी पर सिलेक्ट कीजिए, चाहे स्टॉक मार्केट में ये सिलेक्ट कीजिए, फॉरेक्स में ये, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये, ठीक है। तो अभी हम क्रिप्टो में है तो क्रिप्टो में ये देखिए कोइनबेस पोलोनिक्स का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, बिट्रेक्स का चार्ट मिल जाएगा, जितने भी यहां पर एक्सचेंजर अवेलेबल है सभी के चार्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, BTC to USD, BTC to ये, ठीक है। आपको BTC to USD ढूंढना है, एक फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, उसके बाद USD लिखिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, मैं अभी ETH के ऊपर हूँ दोस्तों, ठीक है, बिट्रेक्स के चार्ट पर हूँ, ETH और डॉलर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैंने भी डेमो अकाउंट दोस्तों, मेरा रियल अकाउंट नहीं है ये, ठीक है, मैं इसमें प्रैक्टिस करता हूँ और ये फ्री में आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। 3-4 इंडिकेटर आप यूज़ कर पाएंगे, उनको हटा के आप और कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 30 दिन का प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो 30 दिन आप फ्री में काम कर सकते हैं, सारे इंडिकेटर यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहीं से ट्रेड करना चाहते हैं तो बार में API की डाल के आप पोलोनिक्स बिट्रेक्स पर यहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है, यूज कीजिए, पहले फ्री में कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको इतने सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं यहाँ पर, और किसी एक्सचेंजर पर और किसी जो है टूल पर आपको इतने दोस्तों इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इथरम की प्राइस की। मैंने जब इथरम का प्राइस एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था कि 315 से ऊपर जाते आपको बाय करना है, लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए 315 पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आप सभी को बताया था,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक 315 पर देखिए एक रेजिस्टेंस जो है लेवल था दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था ये। यहाँ पर एक बार यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। यहाँ पर भी ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाए यहाँ पर भी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, इससे पहले भी यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल था। और दोस्तों यहाँ पर एक हमारा जो है ऑलमोस्ट ये जो है ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये दो लेवल थे, मैंने कहा था कि ये दो 315 से ऊपर जाते आप बाई करना है, लेकिन दोस्तों ये ऊपर गया है। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ से ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर एक वॉल्यूम के साथ कहीं पर भी ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि अब मार्केट जो है ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके ठीक नीचे देखिए कोई भी ऐसा वॉल्यूम नहीं था दोस्तों, ये एक वॉल्यूम बना, इसके बाद इससे ऊपर दूसरा वॉल्यूम बनता तो हम कह सकते थे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद का जो है ये देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ है, यानी कि अब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। और दोस्तों देखिए जहां से पहले पहले भी यहां से देखिए ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए दोस्तों, एक वॉल्यूम बना उससे ऊपर दूसरा बना, तो ये कह सकते हैं कि अब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे दोस्तों, वॉल्यूम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों अभी भी कोई भी यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हाँ थोड़ा बहुत ऊपर गया है दोस्तों मार्केट, लेकिन इतना ऊपर नहीं जा पाया। और जो ये कैंडल थी दोस्तों इतने बहुत ही ऊपर हाई लो बनाया दोस्तों, लगभग हाई बनाया $358 का। तो ऐसे में नहीं घुसना है आपको ज़्यादा हाई लो में, ठीक है। ब्रेकआउट का ध्यान रखना है दोस्तों, अभी इथरम के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं आया दोस्तों। हो सकता है कि अब थोड़ा बहुत जो है दोस्तों अभी अब ट्रेंड के चांसेस हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज लाइन डाल दी, मैंने बताया हुआ है आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, दो मूविंग एवरेज लाइन डालिए, और जो है दोस्तों वैल्यू जो है आपको देना है ये वाली जो है 50 की लाइन रहेगी हमारी, ठीक है। ये मैं 4 घंटे के चार्ट पर हूँ दोस्तों, इसलिए 50, और ये जो है 100 की लाइन रहेगी, ठीक है। ये जो है सॉरी दोस्तों पता नहीं कहाँ पे 100 हो गया। और ये देखिए दोस्तों मैंने एक 50 की एक 100 की लाइन डाली है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये शायद एक क्रॉस होने वाला है शायद, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है। ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है दोस्तों यहाँ पर, अगर ज़्यादा स्पेसिंग होती तो हम कह सकते थे कि अब एक अप ट्रेंड आने वाला है। और दोस्तों इसी चीज़ को अगर आप एक दिन में देखोगे तो ये कोई भी ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दिन 4 घंटे 6 घंटे में जाकर आपको देख लेना, ये देखिए दोस्तों ये कोई भी ब्रेकआउट नहीं है अभी तक। अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये दोनों लाइनें घूम रही हो सकता है कि अभी जो है ये जो 50 वाली लाइन ऊपर और 100 वाली लाइन नीचे रहे, तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हाई बहुत ही ऊपर लो नीचे बना रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इथरम के ऊपर अभी कोई ट्रेंड नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं बिटकॉइन कैश का आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों BCH डालना है, ठीक है, BCH डालना है, और BCC भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत एक्सचेंजर पर BCC नाम है इसका। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लोड ले रहा है दोस्तों, ये आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, शायद बिट्रैक्स पर BCC नाम है दोस्तों इसका, ठीक है। पोलोनिक्स पर तो BCH है, बिट्रैक्स पर BCC नाम है। तो दोस्तों ये BCC के चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ये, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा एक मूव आया है कल, ठीक है। कल जो न्यूज आई थी दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है हार्ट फॉक वाली न्यूज, उस न्यूज के लेकर मार्केट में देखिए क्या हो गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 घंटे के चार्ट पर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये देखिए कितना अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एकदम से ऐसे ऊपर गया। और दोस्तों आप सभी को पता है कभी भी ऐसे मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको नीचे आना है आना है, क्योंकि दोस्तों होता है ना एक हद होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ऐसे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा मार्केट, आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। अभी जो है बिटकॉइन कैश के ऊपर बहुत ही अच्छा मूव आया है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको यहीं पर कहीं पर बाई करने के लिए कहा था दोस्तों, लगभग $415 पे मैंने बाय करने के लिए कहा था आप सभी से, जब मैंने पिछला चार्ट दिखाया था उसमें मैंने कहा था बिटकॉइन कैश का 415 होते आपको बाय करना है। आई होप कि बहुत लोगों ने बाय किया हो, और दोस्तों अभी का देखिए तो बहुत ही अच्छा गया है। अभी थोड़ा डाउन आ रहा है दोस्तों, अभी भी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो न्यूज आई है उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है दोस्तों बिटकॉइन कैश के ऊपर। और दोस्तों बिटकॉइन कैश का जो प्राइस है वो अभी अप ट्रेंड में, यहीं से अप ट्रेंड लग गया था, मैंने यहीं पे आपको बाय करने के लिए कह दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 वाली लाइन ऊपर की तरफ, 100 वाली लाइन नीचे की तरफ आ गई थी, और बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों।
दोस्तों, अभी ट्रेंड में है बिटकॉइन कैश, काम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जो है थोड़ा बहुत मुश्किल भी है दोस्तों, क्योंकि अगर ये न्यूज़ जो है दोस्तों, क्या होता है पता है, जब न्यूज आती है तो सभी बायर से एक्टिव हो जाते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर धकेल देते हैं, उसके बाद छोटे छोटे ट्रेडर सभी घुस जाते हैं उसमें, और जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो टॉप पर निकल जाते हैं उसके बाद, और ज़्यादा लॉस पे चले जाते हैं जो भी छोटे ट्रेडर है। तो ऐसे मार्केट में ना घुसे तो अच्छा है, अगर आप घुसना चाहते हैं तो न्यूज़ के बेसिस पे आप जा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इथरम के ऊपर। कभी अभी कोई मूव नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिटकॉइन कैश का अभी ठीक ठाक है प्राइस, बहुत ही अच्छा है, कल रात को बहुत ही बेहतर गया दोस्तों प्राइस, और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसमें भी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, और दोस्तों जो मैंने हमारी वेबसाइट पर बताया है आप सभी को, ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिए। अब जो भी न्यूज़ होगी मैं यहाँ पर दूंगा आप सभी को, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, और मेरा तो एडसेंस अकाउंट फिर से ब्लॉक कर दिया है दोस्तों, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे, तो ये पता नहीं चल रहा है क्यों कर रहे हो, और दोस्तों अब तो ऐसा लगने लगा है कि अब चैनल ही बंद कर दे, ठीक है। बस दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बाय।